प्रिय, प्यारे, वंदनीय, यही सब विशेषण लिखे जाने चाहिए ना शुरुआत में। लेकिन मैं नहीं लिखूंगा। डैडी, पिताजी, परम पूज्य, आदरणीय, यही संबोधन किए जाने चाहिए ना। लेकिन मैं वो भी नहीं करूंगा, क्योंकि आपको कोई विशेषण दिया ही नहीं जा सकता, श्रीमान रतन सिंह राठौड़। एक बार पिता ने पप्पू से कहा कि तेरी रोज रोज की शरारतों से हर रोज मेरा एक बाल सफेद हो जाता है। तब पप्पू बोला, अच्छा डैडी, अब समझ में आया कि दादाजी के सारे बाल सफेद किसने किए। दादाजी के सारे। एक बार टीचर ने पप्पू से पूछा, तेरे गांव में किसी बड़े आदमी ने जन्म लिया है? तो पप्पू बोला, नहीं सर, मेरे गांव में तो सब छोटे छोटे बच्चे ही जन्म लेते हैं। छोटे-छोटे बच्चे जन्म लेते हैं। और ये थे छुटमुटे चुटकुले। और अब सुनो बड़ा जोक। बड़ा ये हैं मदन लाल और उनके दो बेटे, छोटा रोहित और बड़ा मोहित। ओ यार रतन, अरे आओ आओ मदन लाल, आओ आओ। जय स्वामीनारायण चाचा। जय स्वामीनारायण बच्चों। जय स्वामीनारायण। क्या हाल है चाचा? सोहन कहाँ है? अरे बेटा आज संडे है, सो रहा होगा। अरे बेटा सोहन, देखो आपसे कौन मिलने आया है। और ये है रतन सिंह और उनका लाडला बेटा सोहन। एक सा रहन सहन। अरे सुनती हो, मैं अभी क्लब जा रहा हूँ, दोपहर तक लौटूंगा। और हाँ, आप और सोहन रेडी रहना, आज लंच के लिए मैगडी चलेंगे। यार रतन, तू क्लब जा रहा है तो बीच में मंदिर पे मुझे ड्रॉप कर देना। हाँ हाँ, क्यों नहीं। और बच्चों, तुम दोनों भी समय होते ही भगवान के क्लास में पहुँच जाना। जी पिताजी, हम बाल सभा में चले जाएंगे। वेरी गुड। कितने खुश है दोनों परिवार। एक बन गया प्रभु का दीवाना तो दूसरा बन गया पैसों का गुलाम। एक ने सत्संग में रंग जाने की दिशा चुनी तो दूसरे को चढ़ गया स्टेटस का नशा। आप सोच रहे होंगे इसमें हंसी कहाँ आई, हंसना कहाँ आया। अरे सब्र करो, बहुत बड़ा जोक है, हंसी के तो फुव्वारे छूटने वाले हैं। 5 साल बाद देखो क्या हुआ। लेट हो के आप क्या होगा? ना। पर पिताजी बस। श्री जी कहे पूजा करो, आज हम आपको स्कूल छोड़ने आएंगे। जी हाँ। पापा, आज आपके कारण मैडम की डांट खानी पड़ेगी। और आज आप जो देरी से उठे उसका कुछ नहीं। एक दिन पूजा नहीं करता तो क्या फर्क पड़ता, और एक दिन स्कूल नहीं जाता तो क्या फर्क पड़ता। फर्क पड़ता है बेटे, शाम को बताऊंगा। ओके बाय पापा। जय स्वामी। अरे संभल के।
ना 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 ना, इसमें हंसी मत ढूंढना, हंसी नहीं आएगी। आई एम सॉरी। सॉरी बेटे, ये देखो, ये यहाँ है अफ्रीका और ये है मोम्बासा। यहाँ से एक स्टीमर निकलती है यहाँ से यहाँ गोवा आने के लिए। यदि कंपास की सुई एक डिग्री भी भटक जाए, हिल जाए, तो स्टीमर गोवा के बजाय यहाँ केरला पहुंच जाती है। हुआ क्या? कंपास की सुई तो सिर्फ एक ही डिग्री हिली थी, लेकिन नतीजा, स्टीमर अपने गंतव्य स्थान से भटक गई 500 मील। वैसे ही जीवन में अगर एक दिन भटक जाए तो सालों के बाद पूरा जीवन भटक जाता है। जय स्वामीनारायण पापा। जय स्वामीनारायण भैया। जय स्वामीनारायण बेटा। कैसी रही तुम्हारी युवक सभा? युवक सभा? पर पापा, मैं तो ट्यूशन गया था। वो क्या है ना, हमारे जो टीचर है। युवक सभा वर्सेस ट्यूशन? और ट्यूशन जीत गया? युवक सभा वर्सेस ट्यूशन की बात नहीं है पापा, मेरे फ्यूचर का सवाल है। फ्यूचर? फ्यूचर की चिंता तुम सत्संग पे छोड़ोगे या ट्यूशन पे, भगवान पे या ट्यूशन टीचर पे? मुझे लगता है कि तुम्हारे ट्यूशन टीचर से मुझे मिलना पड़ेगा। वैभव सर, जय स्वामीनारायण। अरे आइए आइए मदन लाल जी, आइए। अरे मोहित, बैठो बैठो। मोहित ने मुझे सब बताया। अरे मदन लाल जी, ये आप क्या कर रहे हैं? सर, जो एक जागरूक बाप को अपने बेटे के लिए करना चाहिए। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। आइए मेरे साथ। वैभव सर, ये क्या है? ये दीपक है। दीपक? दीपक नहीं सर, ये आग है। आग अगर सिमटी रहे तो दीपक है, और भड़क जाए तो दावानल है। मैं कुछ समझा नहीं। बच्चा जब तक आध्यात्मिक संस्कारों में सिमटा रहे तो कुल दीपक बनता है, और अगर भड़क जाए तो सारे खानदान को बर्बाद कर देता है। मतलब युवक सभा मोहित की आग को संवार कर उसे कुलदीपक का आकार देगी, और सिर्फ शिक्षण क्या देगा, पैसे, सुविधाएं, ऐशो आराम, प्रतिष्ठा, क्या इनमें ही जीवन की पूर्णता है? आप अपने बेटे को क्या देना चाहोगे सर? सत्संग देना ही होगा। ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। मोहित, उसे भी अपने साथ ले जाना, और मैं मोहित के ट्यूशन का समय बदल दूंगा। मदन लाल जी, यदि मैंने ना कही होती तो? जाहिर है, मोहित दूसरे क्लासेस में जाता। एनीवे, मां के लिए धन्यवाद। जय स्वामी। जय स्वामी। सदगुरु स्वामी। ये है हमारे परम पूज्य पिताजी। हर रोज ऑफिस से शाम 7 बजे आ ही जाते हैं। पूजा, बाल सभा, आरती और मंदिर दर्शन, इनमें से अगर कोई भी चीज रह जाती है तो उपदेशक बन जाते हैं। और घर सभा तो हर रोज होती है हमारे घर में। सब दर्दों की एक दवा घर सभा। घर को मंदिर बनाइए। पिछले साल मेरी बहन की शादी मनाई जा रही थी। उन दिनों ओवर टाइम करते थे वे, लेकिन फिर भी एक भी सत्संग सभा और घर सभा नहीं छोड़ी उन्होंने। यदि हम भगवान की आज्ञा में रहे तो निरंतर 7 वर्ष अकाल पड़े फिर भी भगवान हमारी रक्षा करते हैं। वे हमें धर्म के बंधन में ही रखते हैं। पर उनके प्यार में कोई बंधन नहीं है। कुछ भी हो, हमारे माता पिता हमें बहुत प्यारे लगते हैं। जय स्वामीनारायण। ये जोक सभा या सत्संग सभा? अरे असली हंसी तो सत्संग में ही है।
पप्पू के पिताजी ने बाजी बिगाड़ दी। कौन है ये पप्पू के पिताजी? अरे रे, धीरज रखो, पप्पू के पिताजी आएंगे और बहुत बड़ी हंसी लाएंगे। आएंगे आएंगे। क्या मोबाइल है? वाह! मोहित बेटे, चलो घर चलते हैं। बढ़िया सा फोन है, क्या बात है। डू लाइक इट? बहुत अच्छा स्क्रीन है, बहुत बढ़िया स्क्रीन। लेकिन पापा, आप स्मार्टफोन के दुश्मन क्यों हो? अरे बेटा, क्योंकि मैं तेरा दोस्त हूँ, तेरी हर इच्छा को पूरी करना चाहता हूँ, पर मैं तुझे बहकाना नहीं चाहता बेटे। लेकिन मेरी उम्र के हर लड़कों के पास स्मार्टफोन है। देखो बेटे, स्मार्टफोन होना जरूरी नहीं है, स्मार्ट माइंड होना जरूरी है। That's like a good son. देखो बेटे, इच्छाओं के मालिक बनो, गुलाम नहीं। जरूरत से ज्यादा चीजें मोह करवाती है। तो फिर आप मुझे साधु ही बना दो। साधु? साधु यानी अच्छा इंसान ना? अरे वही तो बना रहा हूँ मैं तुझे। तो क्या स्मार्टफोन रखने वाले मेरे दोस्त बुरे इंसान है क्या? मैंने ये तो नहीं कहा। मोहित बेटे, उनके मोबाइल तो चेक करो, ऊपर से सुंदर लेकिन भीतर के क्लिपिंग्स। आप हमारी बात कभी नहीं समझेंगे। देखो, किसकी बात समझना वो मुझे अच्छी तरह आता है, मैं जानता हूँ वो। देखो, स्वामी बाबा की रुचि नहीं है इनमें, सो स्टॉप इट। ला दिया ना स्वामी बाबा को बीच में। क्यों नहीं लाता? क्यों नहीं लाता? कलयुग के बच्चों को कंट्रोल करने वाले स्वामी बाबा ही है। देखो मोहित, तुम्हारा शस्त्र है जिद और मेरा ब्रह्मास्त्र है स्वामी बाबा। पिताजी, माय सन। मोहित, बहुत सोच समझकर तुम्हारा जीवन गठन कर रहा हूं मैं, और मुझे विश्वास है कि स्वामी बाबा के मार्ग पर चलने वाला मेरा बेटा जीवन में कभी दुखी नहीं होगा। विश्वास करो मुझ पर। अजीब है आपके बंधन, न सह सकते हैं न तोड़ सकते हैं। देखो बेटा, संयम को बंधन नहीं कहते, धर्म के बंधन बंधन नहीं, मुक्ति के साधन है। चलो ऊपर चलो, कुछ बताता हूं तुम्हें। ये देखो। ये क्या है पिताजी? खुद ही देख लो। अरे, ये तो रतन चाचा और सोहन भैया है। अब ये देखो। सोहन भैया जेल में? पिताजी? हाँ, बहुत लंबी कहानी है बेटे। आज तक तो वो अपने पिता का मुंह भी देखना नहीं चाहता था। जब भी मैं उसे मिलने जेल में जाता था, उसके पिता का जिक्र होते ही अंदर चला जाता था। लेकिन पिछली बार जब मैं उसे मिलने गया, तो उसने ये लेटर दे दिया अपने पिता के नाम और कहा, अंकल, आप अपने हाथों से ही मेरे पिताजी के हाथ पे ये लेटर दे दें। आज ये लेटर मैं रतन सिंह को देने जा रहा हूं। मैं आऊं पिताजी आपके साथ? अब हंसो। पर क्यों? क्योंकि हंस का कौवा बनाने वाले की एंट्री जो होने वाली है। कौन है भाई? पप्पू के पिताजी।
रतन सिंह, मदनलाल, क्या अपने बेटे को जमाने के साथ चलाना कोई गुनाह है? हाँ, जमाने के साथ नहीं बल्कि धर्म के साथ चलाना चाहिए था। अरे, जमाना तो बेकाबू है और बेख्याल रास्ता है और जिसकी दिशा विनाश है। तुम जानते थे ये सब? हाँ मदनलाल, मुझे याद है। तुम कहा करते थे बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तब एक ऐसे मोड़ पे आ जाते हैं जब माँ बाप और उनके दिए गए उपदेश उनको शत्रु लगते हैं और तब काम आता है ये सत्संग। सत्संग के साधु संत और स्वयं स्वामी बापा प्रमुख स्वामी महाराज। पर मदन लाल, मैंने तेरी एक ना सुनी मैंने तेरी एक ना सुनी मदन लाल। धीरज रखो रतन। कैसे धीरज रखूं मदन लाल? एक तरफ तेरी वो चेतावनियां दिन रात कानों में गूंज रही है और दूसरी तरफ मुझे मेरा बेटा सोहन, उसकी बहुत याद आ रही है मुझे। मदन लाल, ये क्या हो गया? रतन सिंह, ये लो। ये क्या है? पत्र। सोहन ने भेजा है ये तुम्हारे लिए। सोहन का पत्र? मेरे बेटे ने मेरे लिए भेजा है। देखो मदन लाल, मेरे बेटे सोहन ने मेरे लिए पत्र भेजा है। मैंने कहा था ना, कोई भी बेटा अपने माँ बाप से इतना नाराज नहीं हो सकता। मदन लाल, ये जोक है या ट्रेजेडी? तो फिर मैं जोक बंद कर देता हूँ। सब चुप रहो। सोहन, लेटर की बात आगे बढ़ाओ। प्रिय, प्यारे, वंदनीय, यही सब विशेषण लिखे जाने चाहिए ना शुरुआत में, लेकिन मैं नहीं लिखूंगा। डैडी, पिताजी, परम पूज्य, आदरणीय, यही संबोधन किए जाने चाहिए ना, लेकिन मैं वो भी नहीं करूंगा। पता है क्यों? क्योंकि आपको कोई विशेषण दिया ही नहीं जा सकता श्रीमान रतन सिंह राठौड़। धक्का लगाना। लगना चाहिए था पिताजी, कि धक्का देने का सिलसिला आप ही ने शुरू किया था 15 साल पहले, जब मैं सिर्फ 10 साल का था। अरे बेटा सोहन, देखो स्कूल बस आ गई है, जल्दी करो। पर पापा, पूजा के लिए सिर्फ 2 ही माला बाकी है। अरे बेटा सोहन, आप अभी बच्चे हो इन सब बातों के लिए। सुबह की स्कूल है और बच्चों के लिए ये सब ना हो तो भी चलता है, सब चलता है। ठीक है पापा। वाह पिताजी, वाह।
सब चलता है, सब चलता है। आपको पता है पिताजी कि मेरे जीवन के आईने पर सबसे पहली दरार आपने की थी, आपने। और आज वही आईना टूटकर चूर चूर हो गया है, बिखर गया है। पूजा की जितनी मालाएं बाकी थी ना, वो सब जेल में पूरी कर रहा हूं मैं। और आप मेरे पितृदेव, मेरे पिता, ऐसे तो बहुत सारे तोहफे दिए हैं आपने मुझे, बहुत सारे। एक बार पप्पू ने गुस्से में आकर एक बच्चे पर साइकिल चढ़ा दी। बच्चा घुर्रा कर बोला, अबे घोचू, ब्रेक नहीं मार सकता था। तब पप्पू बोला, पूरी साइकिल तो मार दी, अब क्या ब्रेक निकाल के मारू क्या? इसे कहते हैं जवाब, मुंह तोड़ जवाब। ऐसे जवाब देना सीखो बेटे। मुझे आज भी याद है आपकी वो बेबुनियाद गुमराह करने वाले चुटकुले और अंग्रेजी भाषा का आपका वो झूठा नशा। मुझे नहीं पीना दूध। बेटे सोहन, मिल्क ड्रिंक कर लो प्लीज, वरना आप ग्रो कैसे होंगे? नहीं पिताजी। अच्छा, आपको जितना लायक हो उतना मिल्क टेक कर लो। वेरी गुड मेरा अच्छा बेटा। अब मुझे स्टोरी सुनाओ। बेटे सोहन, लुक इन द क्लॉक, इट्स ऑलरेडी 11 o'clock। जब मॉर्निंग होगी ना, तब मैं पक्का स्टोरी सुनाऊंगा। अब आप गुड बॉय हो, आईज क्लोज करो, चलो बेटा सो जाओ। स्लीप बेटा स्लीप। दिन ब दिन मैं ऐसे चक्रव्यूह में फंसता जा रहा था जहां से जिंदा वापस निकलना मेरे लिए नामुमकिन हो गया था। मोमबत्ती जलाकर टीचर ने पप्पू से पूछा, इसमें रोशनी आती कहां से है? पप्पू ने मोमबत्ती बुझा दी और फिर टीचर से पूछा, पहले ये बताओ कि इसके अंदर की रोशनी गई कहां? इसे कहते हैं लॉजिक। ऐसे लॉजिक लड़ाना सीखो बेटा। अच्छा चलो अभी आंखें बंद करो। क्यों पापा? पहले आंखें तो बंद करो। वाओ वाओ डैडी, नॉट थ्री, वाओ माय डियर डैडी, आई लव यू सो मच। मेरे छोटे से हाथों में इतनी बड़ी आग थमा दी आपने। मुझे तब आप अच्छे लगे थे, पर मैं गलत था। आप शायद नहीं जानते पिताजी, लेकिन आपके रोज रोज के झगड़ों से मेरे नन्हे से दिमाग पर कितना गहरा असर पड़ता था। और तो और, हकीकत हकीकत यह है कि उस घर में आपके पास मेरे लिए नहीं, अपने मोबाइल फोन के लिए टाइम था। मम्मी को मेरी लाइफ से ज्यादा उन सास बहू के सीरियल में इंटरेस्ट था। मैं नन्हा सा बच्चा अपने माँ बाप के प्यार के लिए तरसता रहा, तड़पता रहा। मैं क्या करता पिताजी? और मजबूरी में मुझे कार्टून्स, मूवीज, फिल्म्स, इनका सहारा लेना पड़ा। और मैं आपसे इतना दूर चला गया, इतना दूर। वाह पिताजी वाह, क्या परवरिश की आपने मेरी। आप अपने कुत्ते तक को बांध के रखते थे, पर अपनी खुद की संतान को आपने ऐसे ही छोड़ दिया, बिल्कुल खुला छोड़ दिया बिगड़ने के लिए। वाह, धन्य है आप पिताजी, धन्य है आप। पता है पिताजी, बच्चों के साथ जो खेल माँ बाप खेलते हैं वो खेल कोई और नहीं खेल सकता। और आपने, श्रीमान रतन सिंह राठौड़, आपने मेरी जिंदगी तबाह कर दी, बर्बाद कर दिया आपने मुझे। सोहन चलो बाल सभा में, जरा एक मिनट। हाँ भाई, किसका काम है? अंकल सोहन कहाँ है? बाल सभा में जाना है। अच्छा तो वो आप ही हो, आना जरा अंदर आना, आओ बैठो।
देखो भाई, अब थोड़े ही दिनों में एग्जाम्स आ रही है और सोहन को पढ़ाई में ध्यान देना होगा, और हम चाहते हैं इन सब चीजों के लिए आप सोहन को डिस्टर्ब ना करें प्लीज। सोहन की प्रायोरिटी शिक्षण है, फिजूल की चीजें नहीं। हमारे गुरु प्रमुख स्वामी महाराज कहते हैं, लक्षण रहित का शिक्षण भक्षण होता है। बाल सभा फिजूल की बात नहीं है, सबसे बड़ी प्रायोरिटी है साहब। जय स्वामी नारायण। पापा, आपने चेतन भाई को क्यों भगा दिया? देखो बेटा, आपकी प्रायोरिटी है शिक्षण, ये फिजूल की चीजें नहीं। लेकिन पापा, हमारी सोसाइटी के सारे बच्चे बाल सभा में जाते हैं। बैठो बेटा, आओ आओ बैठो। पप्पू हर रोज स्कूल देरी से जाता था। एक बार टीचर ने पूछा, बाकी बच्चों की तरह सबके साथ क्यों नहीं आते? तब पप्पू बोला, झुंड में तो गधे चलते हैं, पर शेर हमेशा अकेला होता है। समझे? अगर समय ज्यादा है तो पेंटिंग सीखो, स्विमिंग सीखो, स्केटिंग सीखो, डांस सीखो, बहुत कुछ है सीखने के लिए। बेटा कंपटीशन का जमाना है, पढ़ो लिखो टैलेंटेड बनो, सभा क्या काम आएगी भला है? पर उस दिन से आपने मुझे शेर नहीं गधा बना दिया था। गधा। कंपटीशन का नशा मेरे दिमाग में छोड़कर आपने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। आपके पास एक आखिरी चांस भी था पिताजी, आखिरी चांस था आपके पास। प्रणाम अंकल। प्रणाम। जय स्वामीनारायण पिताजी। कहां से आ रहे हो बेटा? अंकल, सोहन के संबंध को मैं दाद देता हूँ। जन्मदिन मंदिर में मनाया, पार्टी नहीं भक्ति का उत्सव मनाया गया। आरती का लाभ लिया, संतों के आशीर्वाद पाए और कथा भी सुनी उसने। और हाँ अंकल, कल से नवरात्रि का पर्व शुरू हो रहा है, तो भक्ति पर्व में जरूर भेजिएगा सोहन को। मुझे जन्मदिन का आशीर्वाद दीजिए पिता। जरूर, जुग जुग जियो बेटा। मैं भक्ति पर्व में जाऊं? सोहन, तू क्या साधु संत बनेगा? आरती कथा और सभा, ये क्या रट लगा रखी है तूने इस उम्र में? कितना रूढ़ी हो गया है तू, ऑर्थोडॉक्स। और हाँ, तेरे माथे पे तिलक किसने लगाया? तू कोई मंदिर का पुजारी बनने वाला है? ये तो लड़कियों का काम है, हटा इसको अपने माथे से। उस दिन आपने मेरे मस्तिष्क से तिलक नहीं मिटाया था पिताजी, उस दिन आपने मेरे माथे से मेरे भाग्य की रेखाएं मिटा दी थी। आप ना तो एक अच्छे पिता बन सके, बल्कि आपने आपने मुझे परम पिता से भी दूर रखा। क्यों पिताजी, क्यों? झूठ बोलना, शराब पीना, जुआ खेलना, ये सारे व्यसन मैंने आप ही से सीखे हैं पिताजी। जुआ खेलना मैंने आप ही से सीखा। हर जन्माष्टमी को धर्म के नाम पे खेलते थे ना आप, कुछ याद आया पिताजी? अरे बेटा सोहन, जरा इस लेके आना तो। क्या बात है। हाँ लाओ बेटा। और मम्मी के बारे में मैं क्या बताऊं, हर शनिवार और रविवार खाना बनाना बंद। और फिर क्या था, फिर जाते थे हम नए नए होटलों में खाना खाने। एक बार पप्पू ने सेब वाले से 20 रुपए का सेब 10 रुपए में मांग लिया। तब सेब वाला बोला, अरे भाई 10 रुपए में तो मेरे घर में आता है। तो पप्पू बोला, तो फिर आपके घर का पता दे दो, मैं वहां आके लेके जाता हूँ।
पिताजी, सिद्धांतों के आधार पर जीवन जिया जाता है, लेकिन आपने आपने तो अपने जीवन के आधार पर अपने मनगढ़ंत सिद्धांत बना लिए। गाय कचरा टटोलती है और कुत्ते बीएमडब्ल्यू में सैर करते हैं, समझे? दुनिया अच्छे लोगों के लिए नहीं रही है। ईद का जवाब पत्थर से दो, मारो या भाग जाओ, पर कभी भी मार मत खाओ। और जिसका सबसे पहला शिकार मैं बना। हाँ पिताजी, मैं बना। एक दिन मेरे पिताजी ने मुझको पूछा, अरे बेटा पप्पू, तू सिगरेट क्यों पीता है? तो पता है मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि जितने पैसे आप मुझे देते हो उसमें शराब तो आती ही नहीं है। आप माँ बाप जैसा कर रहे थे, मैं तो हूबहू वैसा ही कर रहा था। और देखो, आपको कॉपी करते करते मैं कितना आगे आ गया। स्टेटस का भूत मुझ पर ऐसे सवार था। अपने दोस्तों पे स्टाइल मारने के लिए मैंने आपसे बाइक मांगी, और आपने अपने स्टेटस की भूख को शांत करने के लिए मुझे एक शानदार धूम टाइप बाइक दिला दी। और आपके साथ मैं भी स्टेटस की हवस का शिकार हो गया। न जाने क्या हो गया था मुझे। आप मेरा शरीर सुंदर बना रहे थे ना पिताजी, लेकिन मेरा हृदय, मेरी आत्मा और मेरा मन बदसूरत बनता जा रहा था। न जाने कब मैं शराब, चोरी, जुआ और खून तक जाके पहुंच गया, मुझे भी पता नहीं चला। आप हमेशा मजाक करते रहते हैं ना, आज देखिए, आज हमारी जिंदगी मजाक बन के रह गई है। मेरी जिंदगी, आपकी जिंदगी एक मजाक बन गया पिताजी। कहां गए बेटे, कहां गए? एक आखिरी बार मैं आपको पिताजी लिख रहा हूं। आप जो भी हैं, आप मेरे माँ बाप हैं, मेरे पालनहारा हैं, मेरे जन्मदाता हैं। मैं आपसे मिलना चाहता हूँ और यही मेरी अंतिम इच्छा है। आप मुझसे मिलने आएंगे ना पिताजी? मैं कैदियों की हाजिरी में मिलूंगा आपसे। आप आएंगे ना मुझसे मिलने? मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, आप मुझसे मिलने आएंगे ना? मैं जरूर आऊंगा बेटे, तेरी अंतिम इच्छा पूरी करने में जरूर आऊंगा। अन्य कैदियों के हाजिरी में कोई भी कैदी अपने संबंधी से नहीं मिल सकता, बात आपस में अकेले ही हो सकती है भाई, कायदा है। हाँ, और ये सोहन अजीब रट लिए बैठा है, कैदियों की हाजिरी में ही बाप से मिलूंगा। मालूम नहीं क्या चाहता है वो। और ये सरकार भी अजीब है, हर अंतिम इच्छा पूरी करती है। कलयुग? नहीं नहीं नहीं, घोर कलयुग। जानते हो इस पूरे जोक का पप्पू कौन है? पप्पू तुम थे, तुम भी थे, हम सब के सब पप्पू हैं। मैं पप्पू? मैं भी पप्पू। जब किसी भी बिगड़े हुए माँ बाप का शिकार एक औलाद बनती है तो उसका नाम बन जाता है पप्पू। अब हंसो, अपने आप पर हंसो, और सबसे ज्यादा हंसो मुझ पर। मैं हूं वो पप्पू, बड़े जोक का बड़ा पप्पू। हसो। हसो।
लेटर पिताजी के पास पहुंच गया है। मदन चाचा ने सब बताया मुझे। कल पिताजी आएंगे, देखते हैं क्या होता है। सोहन से मिलना है। बताते हैं, बैठ जाओ। एक बार एक पिता ने एक पप्पू से पूछा, बेटा पप्पू, ये तुम मिट्टी में क्या ढूंढ रहे हो? तब पप्पू बोला, आपका नाम पिताजी, आप ही ने तो कहा था मैंने आपका नाम मिट्टी में मिला दिया। एक बार एक पड़ोसी एक पिता के पास जाके बोला, अपने पप्पू को संभालिए, उसने मुझे पत्थर मारा। तो पिता ने बोला, आपको लगा? पड़ोसी बोला, ना। तब पिता ने कहा, फिर तो वो मेरा बेटा नहीं हो सकता। पप्पू जब मारता है तो वार खाली नहीं जाता। एक बार एक पप्पू पेड़ पे चढ़ के आम चुरा रहा था तो खेत के मालिक ने उसे पकड़ा और कहा, क्यों बे, चोरी करता है, बुलाऊं तेरे पिताजी को? तो पप्पू बोला, मेरे पिताजी तो बगल वाले पेड़ पर ही चढ़े, कहीं तो अभी बुला देता हूं। मैं कहता हूं हंसो हंसो। जब पप्पू इतना हंस रहा है तो तुम सब क्यों नहीं हंस रहे हो? हंसो हंसो हंसो। अरे हंसो भाई। हंस। आ गए महाशय। आइए पिताजी, आइए। अरे देखो कौन आया है। पप्पू के पिताजी आए हैं। पप्पू के पिताजी, आइए पिताजी, आइए आइए, बैठिए बैठिए। आई सेड सिट डाउन डाउन। मर्दों के पिछवाड़े से तीर पे तीर छूटते गए, मगर फिर भी घाव मामूली से मिले। मौत की हिचकी तो तब उतर गई जब तीर चलाने वालों के नाम खुद के माँ बाप के मिले। खुद के माँ बाप के मिले। पप्पू भी बिल्कुल ऐसे ही हंस रहा था कि एकदम से उसके पिताजी बोले, क्यों रे बदतमीज, मैं तुझे डांट रहा हूं और तू हंस रहा है कमबख्त, तुझे शर्म नहीं आती? तो पप्पू बोला, पिताजी आप ही तो कहते थे कि मुश्किलों का सामना हंसते हंसते करना चाहिए। मोहित, तू ध्यान रखना कि तेरे पिताजी कहीं तुझे पप्पू ना बना दे। घर को आग लगा दी घर के चिरागों ने। घर को आग लगा दी घर के चिरागों ने। चिराग ने घर को आग लगाई, पर चिराग को किसने आग लगाई थी? चिराग को संभालने की जब ताकत नहीं होती तो चिराग को घर में जलाते क्यों है घर वाले? बोलो भाई, क्यों जलाते हैं? क्यों जलाते हैं? आ,
दीपक दीपक है दीपक है कुल दीपक दीपक है दीपक है संभाल पाए तो प्रकाश देगा ना संभाल पाए तो विनाश करेगा खुद का और सबका विनाश करेगा कुल दीपक दीपक है दीपक है कल होते हैं दीपक और कुल दीपक अगर बहक गए तो आतंक मचा दे और सवर गए तो दुनिया सजा दे और अब आखिरी जो I'm really sorry. अंग्रेज चले गए, सॉरी छोड़ गए, लेकिन your sorry cannot make a dead man alive. Dead. सोहन, अपनी अंतिम इच्छा पूरी कर ले. अपने डैडी से गले मिल लो. अब 10 मिनट बाकी है. ओके, 10 मिनट बाकी है. समय समाप्त हुआ, लेकिन मेरे जवाब का क्या होगा? बच्चा यदि शैतान बने तो कौन है उसका जिम्मेदार? बच्चा छोटा होता है, क्या माँ बाप भी छोटे होते हैं? बच्चा नासमझ होता है, क्या माँ बाप भी नासमझ होते हैं? मुझे कुसंग की आग से रोका क्यों नहीं गया पिताजी? मुझे सत्संग के बाग में भेजा क्यों नहीं गया? तू आज जितना चिल्लाता है ना, उससे कहीं ज्यादा चिल्लाता था. क्यों? जब हम तुम्हें रोकते थे. आप मुझे रोकते थे? अरे किसी के रोकने से रुकता था तू? आपकी कभी
कोशिश थी पिताजी, आपके पास मेरे लिए कभी समय था? अरे कमबख्त, जब जब हम तुझे तेरी जिद से रोकते थे, तू पैर पछाड़ता था, किट्टा कर लेता था, याद है ना मदनलाल? घर से भाग जाने की धमकी देता था और जोर जोर से रोता था, और उस वक्त हम इसके सामने हार जाते थे। आप हमेशा मेरे रोने के आगे हार मान जाते थे? नहीं पिताजी, नहीं। आपको याद है जब मैं स्कूल ना जाने के लिए रोता था, तब आपने क्या किया था? ऐसे ऐसे घसीटते हुए मुझे ले गए थे आप स्कूल और ले जाके छोड़ दिया था। मैं रोता था लेकिन आपने मुझे रोने दिया पिताजी, रोने दिया। आपको याद है जब सर्दी में बुखार में मैं आपसे आइसक्रीम खाने के लिए रोया था, आपने तब भी मुझे रोने दिया। जब अपने घर में मेहमान आए और सबके सामने मैंने उन्हें गाली दी, तो आपने सबके सामने मुझे चाटा मारा, मैं तब भी रोया था पिताजी, और आपने तब भी मुझे रोने दिया। बचपन में जब मैं आग से खेलता था, सोहन ऐसे आप मुझे डांटते थे, मारते थे, एक आग से बचाया, लेकिन फेसबुक, इंटरनेट, ट्विटर, फिल्म्स, इन सब की आग में आपने मुझे बड़े गर्व से जाने दिया था। दिए से बचाया पर आग के कुएं में धकेल दिया। आप जिन जिन चीजों के गुलाम थे, आप उन सब से मुझे नहीं बचा पाए, आप उन सब से मुझे नहीं बचा पाए। सच तो ये है श्रीमान रतन सिंह राठौड़, आज आपने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, और इसी रेस में पप्पू पिता से आगे बढ़ गया और हो गया डेड एंड ऑफ लाइफ, और इसी के साथ कहानी खत्म। मोहित, बहुत सोच समझ कर तुम्हारा जीवन गठन कर रहा हूं मैं, विश्वास करो। मुझे विश्वास है कि स्वामी बाबा के मार्ग पर चलने वाला मेरा बेटा जीवन में कभी दुखी नहीं होगा, कभी नहीं। बस करो सोहन भैया, बस करो, अब बस करो सोहन भैया, बस करो अब। किसे बस करना सीखना था मोहित, मुझे या डैडी को? इनफ इनफ सोहन, इनफ। हाँ मैं जानता हूं कि मुझे देखने वाले ये सारे लोग यही सोच रहे होंगे कि मैं पागल हो गया हूं, अपने कर्मों का दोष अपने पिता पर थोप रहा हूं। चलो मान लिया कि मेरी गलती है, मान लिया, हाँ, मगर कितनी? आधी आधी गलती की मैंने, या इतनी गलती? अगर आधी गलती मेरी है तो आधी गलती मेरे पिता की भी है। जितनी सजा मुझे मिलनी चाहिए उतनी ही सजा मेरे पिता को भी मिलनी चाहिए, है ना? बोलो, मेरे पिता को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं? मिलनी चाहिए। मेरे पिता को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं? मिलनी चाहिए। मिलनी चाहिए।
अरे मेरे पिता को भी पकड़ो, उनको भी मेरे साथ ले चलो। आदि नहीं, पूरी सजा मुझे मिलनी चाहिए, पूरी सजा मुझे मिलनी चाहिए, पूरी सजा मुझे मिलनी चाहिए। सोहन, आदि नहीं, पूरी सजा मुझे मिलनी चाहिए, पूरी सजा मुझे मिलनी चाहिए। सोहन, सोहन, अरे सोहन, क्या क्या हुआ तुझे? अरे अभी तो सोहन को मिलना बाकी है। तो मैंने देखा, वो क्या था? क्या सपना? रतन सिंह, आप सोहन को जाके मिल सकते हैं। धन्यवाद, चलो जाइए। हाँ चलो। पंछी तेरा दर्द ना कोई जान सके, आखिरी बार गले मिलने। बाहर से तू खामोश है लेकिन भीतर भीतर रोए रहे। पिंजरे के पंछी सके, बाहर से तू खामोश रहे भीतर भीतर रोए रहे। रतन सिंह, आपका रतन कौड़ियों के दाम बिक गया, आपको धंधा करना नहीं आया। आपका कुलदीपक बुझ गया पिताजी, पूरी सजा आपको ही मिली है, आपको ही मिली है। कुलदीपक दीपक है, दीपक है। दीपक दीपक है, दीपक है। संभाल पाए तो प्रकाश देगा, ना संभाल पाए तो विनाश करेगा। खुद का और सबका विनाश करेगा। कुलदीपक दीपक है, दीपक है।